अगस्त 2018 में मीन राशि का बदलेगा सब कुछ। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको मीन राशि का मासिक राशिफल बताने जा रहे हैं। मीन राशि के लिए अगस्त 2018 में क्या खास स्थितियां बन रही है, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। अगस्त माह में मीन राशि के जातकों को कार्य व व्यापार के संबंधों में इच्छित तरक्की के योग रहेंगे। निजी व सरकारी क्षेत्रों में आजीविका के प्रयासों को महती कामयाबी हासिल होगी। दिया गया साक्षात्कार सफलता की ओर संकेत देने वाला होगा। इस माह के प्रथम भाग से ही उनकी उन्नति के योग बनने लगेंगे। व्यापारिक उन्नति के संकेत उनको प्राप्त हो रहे हैं और मिश्रित परिणामों की अंत तक आवृत्ति होगी। छोटी छोटी परेशानियां और चिंता हो सकती है, लेकिन बदलाव उनके जीवन में खास रहेगा। इस माह में यदि वो कार्य करते हैं तो उसमें बदलाव होगा, या नौकरी करते हैं वहां पर बदलाव होगा, या फिर व्यापार करते हैं उसमें बदलाव देखने को उनको मिल सकता है। मीन राशि के जातकों को अगस्त के महीने में प्रेम व संबंधों के मामलों में अनुकूल परिणाम प्राप्त होने के योग रहेंगे। आपका वैवाहिक जीवन हंसता और मुस्कुराता रहेगा। इस माह के प्रथम और मध्य भाग तक आप जीवन सहचर्य के निमित्त वस्त्रा और आभूषण की खरीदी हेतु सहमति दे सकते हैं। निजी संबंधों में यद्यपि इस माह के मध्य तक इच्छित परिणाम प्राप्त होने के आसार रहेंगे, शेष भाग में मिश्रित परिणामों की आवृत्ति रहेगी। आर्थिक रूप से यदि आपको कोई परेशानी चल रही है तो इस महीने वह समाप्त होने वाली है। आपके द्वारा जो प्रयास किए जाएंगे उनका अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। धन का अभाव जो है अभी तक यदि आपको लग रहा है वह समाप्त होने वाला है, क्योंकि इच्छित धन संपत्ति की आपको प्राप्ति होने वाली है। यदि कोई विवाद है तो उन्हें हल करने के भी आपको अवसर प्राप्त होंगे। अगस्त माह में मीन राशि के व्यक्तियों को जो है विद्यार्थी यदि हैं तो तकनीकी क्षेत्र में योग्यताओं को निखारने के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। आपके द्वारा जो प्रयास किए जाएंगे उनका उत्तम लाभ आपको प्राप्त हो सकेगा। यदि आप किसी भी प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर आपको एक नई ऊंचाई देखने को मिल सकती है। आपका बौद्धिक स्तर जो है ऊंचा रहेगा, किंतु अन्य हिस्सों में शुभाशुभ परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। मीन राशि के व्यक्तियों को जो है शारीरिक ताकत व जोश में जो है प्रगति देखने को मिलेगी। उन्नति और उनके शरीर में जो है एक नई ऊर्जा और सकारात्मक भाव प्रवेश करेंगे और इस माह जो है एक अलग प्रकार की जो है उनके अंदर फुर्ती रहेगी। मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे और उनके द्वारा जो मेहनत की जाएगी उसके भी अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा उनके लिए अति उत्तम फलदायी होगी और उनको गुरुवार के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के पीले फल का दान करना चाहिए। इससे उनके लिए यह महीना अति शुभ फलदायी रहेगा। तो मित्रों, हमने मीन राशि के लिए अगस्त 2018 कैसा रहने वाला है ये इसमें सब कुछ बताया है। हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।